I'm a flight risk. I don't think they're ready for the shit. वेलकम बैक पब्लिक टू द अनदर न्यू वीडियो. आज अपन शूट कर रहे हैं एक सेटअप टूर को. आप लोग बहुत टाइम से कर रहे थे डिमांड कि सेटअप टूर चाहिए, सेटअप टूर चाहिए. तो आज अपन फाइनली क्रिएट कर रहे हैं और एज वेल एज अपन एक Q&A लाने वाले हैं फॉर यू गाइस. आई होप आप लोगों को Q&A पसंद आएगा. मैं बता दूंगा आपको क्वेश्चन कैसे पूछने और कहाँ पूछने. तब तक के लिए आप इस वाली वीडियो को एंजॉय करो. या पब्लिक, इसी के साथ अपन कैरी ऑन करते हैं विदाउट कैमरा. तो यार पब्लिक, अपना सेटअप बहुत नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है मेरे हिसाब से. और उल्टा लोअर है काइंड ऑफ, मैं बताऊँ तो नॉर्मल है. ये अपना एक मॉनिटर है डेल का 18 इंच. ये शायद से 600p आई गेस. और अपना जो दूसरा मॉनिटर है वो है ये 27 इंच 144Hz TN पैनल. और अपना सेटअप आप बैकग्राउंड से देखो, काइंड ऑफ सेक्सी है. एंड अपने जो हेडफोन हम यूज़ करते हैं वो है HyperX Cloud Pro. ये लास्ट साइड से मैंने जब चैनल हैक हुआ तो उससे पहले भी मैंने ये हेडफोन दिखाए थे. इफ़ आप लोग पहले से सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा कि हेडफोन मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ. एंड अब बात आई अपने कीबोर्ड की, तो सबसे बढ़िया लगता है अपने सेटअप में ये कीबोर्ड. ये है सर्कल गेमिंग का, इट्स 70% कीबोर्ड. इसके अंदर कुछ कीज मिसिंग है, दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक दैट. कि ये वाला कीबोर्ड ना मेरे को बहुत चीज़ों में बहुत परेशानी देता है. लाइक कुछ सिंबल गायब है, कुछ अल्फ़ाबेट्स तो आई गेस पूरी हैं, सिंबल्स ही गायब है मेनली. एंड अपने अब बात आती है माउस की. अपना जो माउस है वो है Logitech, जो अपना माउस है वो है Logitech G402. और ये सब आपने देखा होगा, सब स्ट्रीमर्स यूज़ करते हैं. आई नो इट्स अ कॉमन गेमिंग माउस, लेकिन इसकी जो हैंड ग्रिप है, अब देखोगे ना हैंड ग्रिप बहुत सही है. लेकिन तब भी आई प्रेफर रेजर दैट अदर एलीट. सो या अब क्या बचा सेटअप में. ओह तू यहाँ क्या कर रहा है, हटो. अब मेरी बात आई माउस बंजी की. ये माउस बंजी आई डोंट नो ये कहाँ से आई है, कहाँ पे थी, मेरे को बहुत टाइम बाद मिली, आज सुबह मिली. मैं इसको यूज़ करता था पहले, लेकिन अब करना मैंने बंद कर दिया. ये आपको अराउंड 150 के अमेज़ॉन पर मिल जाएगी. और बात आई अब माउस पैड की, तो मैं दो माउस पैड यूज़ कर रहा हूँ, कीबोर्ड के लिए अलग है, माउस के लिए अलग है. मेरा कीबोर्ड के लिए मैं जो यूज़ कर रहा हूँ अमेज़ॉन बेसिक का एक्सटेंडेड, आप लोगों ने देखा ही होगा. एंड दूसरा मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो स्टील सीरीज़ का यूज़ कर रहा हूँ. ये है स्टील सीरीज़ का समथिंग, आपको यहाँ दिख जाएगा ऑन स्क्रीन कौन सा है. क्या तो ये तो थी मेरी डेस्क. ओह वी मिस वन थिंग, दिस ब्यूटी दैट टिकटॉकर लाइट आई यूज़. ये साली मर रही है भाई. लेकिन ये तो थी मेरे डेस्क की हाफ साइड. हाफ के इधर अपना स्ट्रीमिंग सेटअप एक और है, और वो की जो है एनीथिंग का. जानते हो कि मेरा रूममेट है अभी कुछ टाइम के लिए, वो उसका सेटअप है. ये इसका सेटअप है, आप लोग देख ही सकते हो. एंड मेरा PC, मैं आपको अपना PC अंदर से दिखाऊँ. मैं आप लोगों को अपना PC दिखाऊं अंदर से. ज़्यादा खास नहीं है इसके अंदर, मतलब कुछ वैसी बात तो नहीं है कि मतलब RGB एंड ऑल. बस एक कूलर ही चमकता रहता 24 घंटा, बाकी सब पूरा शांत है. और ऐसा एनटेक का केस है ये. और आप केस की बात करो तो ये केस है आपका एनटेक का DF500. इट्स अ गुड केस. आपको यहाँ पे सामने ये 3 फैन इंस्टॉल आते हैं प्रीबिल्ड में आपको. एंड ऊपर आप 360mm का रेडिएटर लगा सकते हो. कुछ रेडिएटर फिट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं. मैंने इसके अंदर लगा रखा है शायद से 280 आई गेस 280 XGST, तो आपको दिख जाएगा. और ये एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है अपनी गेम्स के लिए. ये थोड़ी वायर मैनेजमेंट इग्नोर करना पब्लिक, यू नो. वो बात है मेरे PC स्पेक्स की, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. और मैं ओवरव्यू दे दूँ, i5 9600K इसके अंदर, i5 9600K 1050 Ti. एंड रिप जॉस की 8 GB की 2 sticks जो 3000 MHz पे है, और जो मैं चला रहा हूँ 3600 MHz पे. एंड क्लॉक मेरा जो i5 का है वो है 5.1. एंड
मेरा शायद से ग्राफिक कार्ड भी मैंने ओवरक्लॉक कर रखा है 800 मेगाहर्ट्ज़ ज़्यादा पे, जब मेरे को तभी ये स्ट्रीमिंग हैंडल कर रहा है, नहीं तो ये स्ट्रीमिंग कैपेबल नहीं है पब्लिक। एंड इसके तरफ आपको दिख जाएगा, मैंने एक्चुअली रिसेंटली थर्मल पेस्ट अपडेट किया अपने कंप्यूटर में, तो यहीं पड़ा रह गया। एक्चुअली मेरा थर्मल पेस्ट टूट भी गया, नाइस नया चीज़ होगा अपने को, तो इसको सकते हैं साइड पे। और ये तो भूल गया, ये था इधर। अब बात आती है एनीथिंग के बिल्ड की, इसके अंदर कुछ नहीं है, नॉर्मल रिग है। इसके अंदर लग रहा है GT710 प्लस आपका i3 8th जनरेशन, तो इट्स अ डिसेंट बिल्ड आप। और ये रहा आपका नॉर्मल मॉनिटर HP का 1080p, अच्छा है, चैट ही पढ़ दिया लॉन्डे को क्या चाहिए। और एंड देयर इज द स्पीकर जो मैं यूज़ करता हूँ एक्चुअली इधर ही बैठ के PS4 के लिए, इसको कनेक्ट करता हूँ मॉनिटर में, मॉनिटर का HDMI से जाती है आवाज़ PS में, जो मैं खेलता हूँ ऑफ स्ट्रीम, बिकॉज की इंडिया में अंदर ज़्यादा लोग देखते नहीं है PS की गेम्स, आई डोंट नो। एंड ये कीबोर्ड यूज़ कर रहा है रेड गियर का, जिसके कुछ कैप्स गायब है। एंड इसके लिए जो बिल्ड पे हमने माउस लगा रखा है, वो लगा रखा है यहीं कहीं होगा अपना डेथ अदर एलीट, आई डोंट नो माउस कहाँ है तेरा। एनी भाई मैच भाड़ में गया, तुम्हारा माउस किधर है, तुम्हारा माउस किधर है? बाहर अंकल जी यूज़ कर रहे हैं। अच्छा पापा पे है, चलो भाई पापा यूज़ कर रहे हैं मेरा रेजर का माउस, तो अभी के लिए ये बिना माउस के ये सेटअप। और ये रहा PS का कंट्रोलर विच आई यूज़ वेरी ऑफ्टन, एंड ये रहा PS, इट्स 1 TB का है PS, और आपका स्लिम वर्जन है। और ये BM800 यूज़ करता है एनीथिंग अपने स्ट्रीमिंग के लिए, एंड आई यूज़ हेडफोन माइक। तो या आई गेस पब्लिक आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा कि मैं कैसे स्ट्रीम करता हूँ, कैसा स्ट्रीमिंग सेटअप है, एंड मेरा लैग क्यों होती है इतनी स्ट्रीम और इतनी क्रैश क्यों होती है, बिकॉज मेरा जो ये अख्तर है ना हकदब होता है। तो या पब्लिक आई होप आप लोगों को इस वीडियो में मज़ा आया हो, और कुछ मेरे से मिस हो गया हो या गलती हो गई हो तो प्लीज़ बताना जरूर इन कमेंट सेक्शन। तो या इसी के साथ ये वीडियो को करते हैं अपन इधर रिसेंट, आई होप आप लोगों को मज़ा आया हो, सॉरी मैं कुछ मिस कर गया हूँ। तो So, see ya. See ya. Bye-bye.